मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग देखिए बालकनी में खेल रहे हैं। ये देखो, ये 5 बजे से ही घूम रही है बालकनी में। इनको नींद है, 5 बजे उठ गई थी। हाँ बता दो, 5 बजे से हम उठ के टहलते हैं। कोई टहलता है? कोई टहलता है? देखो हम छुट्टी नहीं मना रहे, 5 बजे से टहल रही हैं बालकनी में। अभी धूप तो नहीं आई है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है, ये अपनी चिड़ देख रही है, मतलब चिड़िया देख रही है, उड़ती हुई चिड़िया बहुत देखती है। तो ये 2 बजे सोई थी रात में और फिर उठ गई है, 5:15 बजे उठ गई थी, रो रही थी, तो मुझे भी उठना पड़ा। फिर उनको मैं लेके आई बालकनी में और यहाँ तब से घूम रही हैं 5 बजे से ही, 5:30 बजे से। तो फिर चिड़ू देख रही थी और थोड़ी देर फ़ोन में कार्टून देखा, रोने लगी थी, तो फिर फ़ोन चला के दिया मैं, तो उसमें देख रही थी, तब जाके शांत हुई। तो फिर अब बैठी देखी बहन कैसे। चिड़ू कहाँ? वो चिड़ू जा रहे हैं, चिड़ू जा रहे हैं। देखा अपने, बड़ी चिड़ू की बहुत दीवानी है। देखो कितने सारे चिड़ू जा रहे हैं, बहुत मन से चिड़ू देखती है। चिड़ू नहीं मिल रहा। बहुत ध्यान से चिड़ियों को देख रही थी कि कहाँ जा रही, बहुत अच्छे उड़ते दिखती है ना, तुरंत उधर ही वो देखती है। और इतना अच्छा लग रहा है इतने टाइम मौसम, मतलब हवा भी बहुत चल रही है और धूप भी नहीं है अभी, तो इतने टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो इतनी सुबह छुट्टियों में कौन उठता है, लेकिन ये है ना मेरी बिटिया रानी उठाने के लिए, ये कहती है मम्मा छुट्टी नहीं है, उठ जाओ, बैठो। बहुत मस्त लग रहा है इतने टाइम बाहर का नज़ारा, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। जी देखो, ये देखिए इनका चिड़ू जा रहा है, यही चिड़ू देखती है। ये देखिए एक और चिड़ू है, वो देखो चिड़ू। ये कितना मस्त मौसम लग रहा है, ये कूलर रखा अंदर, ज़्यादा जीगा नहीं है तो मैंने यहाँ बालकनी में ही रख दिया। हाँ तो ज़्यादा कोई बस टहलना ही तो रहता है, तो यहीं पे इसीलिए रखा है, क्योंकि अंदर उतना आ नहीं पा रहा थे तो यहीं पे रखा रहता है। और ये देखिए नज़ारा, कितना मस्त मौसम हो रहा है। अभी तो 7 बजे से लगभग धूप निकलने लगती है, तो अभी तो मस्त लग रहा मौसम। चिड़ू कहाँ है? इसमें चिड़ू है, फोन में चिड़ू है, चिड़ू इनको दिखना चाहिए। इनको देखिए, मेरे कड़े से फिर जुट गई, एक कड़ा कल इन्होंने अभी मेरा तोड़ दिया। और इससे देखिए ये लग जाएगा दांत में, कैसे पकड़ के खींचती है। ऐसे कर रही थी तो कल मेरा एक इसने कड़ा तोड़ दिया। जी ये देखिए, इसमें भी नहीं पहने, इसमें का तो टूट गया था और इसमें का मैंने इनको दिया, इसमें भी देखे नहीं है, वही ली हैं, खेल रही हैं, चुप रहे कैसे भी भाई, जो इनका मन ना है बोले। देखिए ऐसे कर रही थी कल, हाथ से छूट गया तो गोदी में लेके टहला रहे थे इसके पापा, तो वही गोदी और वही हाथ से छूट गया, नीचे गिरा यहीं पे तो टूट गया, अभी पड़े हैं यहीं पे टूटे हुए, उठा के फेंक देंगे नहीं तो लग जाएंगे इनको। और इसे देखिए कैसे खेल रही हैं, और इनको चूड़ी कड़े तो खेलने के लिए चाहिए, खिलौने सब खराब हैं। ये देखिए सब खिलौने खराब हैं इनके लिए। तो चिड़ू उधर बाबू, बहुत जल्दी चिड़ू। हम कह रहे हैं चली जाओ अपने पापा पास, तुम थोड़ा काम कर लें, तो उनके पास भी नहीं जा रही है। मैं सोचा ले लेते तो हम कुछ काम कर लेते घर का, लेकिन जा ही नहीं रही है, तब से मेरे पास टहल रही है।
तो वही बात ही अभी टहला रही थी। अब देखते हैं, अभी उनके पास चली जाएगी तो काम करेंगे, नहीं जाएगी तो क्या कर सकते हैं, देखते कब जाएंगी। अभी मन नहीं है कुछ तो नहीं जा रही हैं, अब देखते कब जाती हैं उनके पास। हाँ तो हम घर का काम कर लेंगे, नहीं तो खेल लेंगे। तो चिड़ू देखने आ जाती हैं सुबह सुबह, फिर तो धूप निकल, क्योंकि फिर धूप निकल आती है, हम लोग इधर रात भी नहीं आते हैं, शाम को ही दिन में ऐसे नहीं आते, क्योंकि 7:30 7 बजे के लगभग तो धूप आने ही लगती है। जैसे आती ना तो सबसे पहले इधर ही धूप आती है। तो अभी तो खैर अच्छा लग रहा बाहर मौसम, तो चलो अभी बहुत अच्छा लग रहा, तो इसी के बहाने हम भी टहल लेते हैं। बहुत अच्छा, वैसे अभी लग रहा है धूप निकलेगी नहीं, कि बिल्कुल धूप दिख तो रही नहीं है वैसे अभी तो, लेकिन 6:30 ही बज रहा है। देखते हैं अभी कितनी देर यहाँ हम लोग टहलते हैं। तो मैंने कहा आप लोग को भी अपनी सुबह की दिखा दे रूटीन, मैंने चलो आप लोग को भी सुबह का नज़ारा दिखा देते हैं कि कैसा है नज़ारा। और मेरा बिट्टू कैसे खेल रहा है ये देखिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए इसका कितने काला काला सा हो गया। ये देखिए कल मारी थी नाखून, वही काला काला सा हो गया इनको, चाहे जितना वो लोग मार तो लेती ही हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, देखते हैं टहला देते हैं इनको। अब मैं बनाने आ गई हूँ, भरता बनाने जा रही हूँ बैंगन और आलू का। तो मैं आज न्यू तरीके से बना रही हूँ, देखिए पहले सब्जी के जैसे काट रही हूँ ना, मैं इसको उबाल रही हूँ बिना उबाले और बिना भूने, ऐसे ही मैं इसको काट के बनाऊँगी जैसे सब्जी के लिए काटते हैं उसी तरीके से। पहले इसको देखिए काट लेंगे लंबे पीसेस में, और इसकी डंठल भी निकाल देंगे, देखिए मैं निकाल दे रही हूँ, आप चाहे तो ना भी निकालें, वैसे निकाल दे तो सही रहता है, क्योंकि इसको खाना तो रहता नहीं, तो पहले ही आप निकाल दें तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं सारे डंठन निकाल के ही देखिए काट रही हूँ, और उसके बाद अब हम मैं काट लूँगी आलू भी रखे हैं, आलू प्याज टमाटर सब मुझे काटना है। तो अब मैं आलू छील रही हूँ, तो मेरे बैंगन कट चुके हैं, तो उसके बाद मैं आलू छील रही हूँ, आलू मुझे काट लेने हैं उसी तरीके से जैसे सब्जी में पड़ते हैं उसी तरीके से आलू को भी छील लेंगे। टमाटर प्याज लहसुन मिर्च इसमें सब डालेंगे जितना सब्जी में पड़ता है उसी तरीके से। तो पहले सबको अच्छे से ऐसे ही काट लेंगे। अभी देखिए मैंने आलू और बैंगन धुले नहीं, बैंगन तो धुल के मैंने रखे थे, आप लोग को दिखाए थे मैंने, देखिए आज भी वैसे ही अभी भी रखे हैं। लेकिन इसको काटने के बाद अभी मैं दोबारा धुल लूँगी, पहले आलू काट लूँगी उसके बाद उसी के साथ इसे भी धुल लूँगी। तो देखिए मैं आलू काटने लगी हूँ, मैंने आलू सारे काट लिए, अब मैं प्याज काटने लगी हूँ। सब काटने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने गैस पे रख दिया कुकर गरम होने के लिए, और सब्जी मैंने सब धुल ली है, बैंगन और आलू और टमाटर और प्याज तो मैंने पहले ही धुल लिया था, तो उन सबको मैंने काट लिया। अब कुकर पे कुकर रख दिया मैंने गैस पे गरम होने के लिए, तो अब कुकर हमारा गरम हो जाए तो इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तो देखिए मैंने बैंगन अलग रख लिया है और आलू अलग रख लिया है, और ये देखिए इसमें मैंने हर सब्जी सब मतलब काट के रख ली है जितना कुछ हमें डालना है। तो कुकर जब हमारा गरम हो जाए तो इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। वैसे रिफाइंड में तो उतना अच्छा नहीं लगता, ये आप सरसों के तेल में ही बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, रिफाइंड में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। तो कुकर अब हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें अब मैं तेल डाल रही हूँ, तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें ज़ीरा डालूँगी और थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। तो अब तेल मेरा गर्म हो गया, तब इसमें हम ज़ीरा डाल रहे हैं, और जीरा डालने के बाद अभी इसमें हम हींग डालेंगे। और उधर देखिए मेरी बेटी बार बार आने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए मैंने दरवाजे के पास सिलेंडर रख दिया ताकि वो आए ना, क्योंकि एक बार वो गिर चुकी है, क्योंकि ये फर्श थोड़ी ऊंची है किचन की, तो इसीलिए एक बार वो गिर चुकी है, इसीलिए मैंने सिलेंडर लगा दिया ताकि वो गिरे ना।
तो अब देखिए मैंने उसमें डाल दिया है हींग। अब मैं डाल रही हूँ लहसुन, और लहसुन छीलने का तरीका आपको बताती हूँ। तो आपको अगर जल्दी हो तो आप लहसुन को बीच से, लहसुन की कली को बीच से काटें, और इससे आप बहुत जल्दी छील लेंगे। देखिए मैंने उसी तरीके से छीला है। और अगर आपके पास टाइम हो और आपको ज़्यादा छीलना हो बिन काटे, तो आप थोड़ी देर पानी में डाल दीजिए 10 मिनट पहले, और जब वो एकदम से फूल जाएंगे उसके छिलके, तो बहुत जल्दी छिल जाते। इस तरीके से छीलेंगे तो आप लहसुन जल्दी छील लेंगे, वरना ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता है लहसुन छीलने में अगर ज़्यादा छीलना हो तो। तो अब मैंने डाल दिया इसमें लहसुन प्याज मिर्चा डाल दिया है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा ही भूनना है, और उसके बाद सब डालना है। तो बहुत ज़्यादा इसको लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ही भूनेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो पता नहीं चलेगा, और थोड़ा जब पता चलता है चौके भरते में, थोड़ी प्याज पता चलती है, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसको ज़्यादा बहुत देर तक नहीं भूनेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे, चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जले ना। से अभी तो इतनी जल्दी जलेगा नहीं, अभी तेल है इसमें बहुत, तो लेकिन इसको थोड़ा चलाते रहेंगे अच्छे से। अब इसे थोड़ा पक जाएगा तब इसमें अभी हम आलू डालेंगे। तो देखिए अभी थोड़ा मैं इसको पका रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है आपको, इतना याद रखिएगा। अगर ज़्यादा पका देंगे तो प्याज उतनी पता नहीं चलेगी, जैसे सब्जी में आप लोग पकाते हैं उस तरीके से नहीं पकाना है इसमें। इसमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो अब थोड़ी देर हो जाने के बाद इसमें मुझे आलू डालने हैं, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ थोड़ी देर और। और अब मेरा प्याज भुनने वाला है, बस थोड़ी देर और भून लेंगे। और इसमें देखिए ना उबालना है आपको, ना गैस पे भूनने की ज़रूरत है, ऐसे ही आपको बस पका लेना है सब्जी, जो काट के सब्जी के जैसे, और उनसे जल्दी बनता है, उससे स्वादिष्ट बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब देखिए मेरे प्याज भुन गया अच्छे से, तो अब मैं इस पर बैंगन डाल रही हूँ, और बैंगन को थोड़ा सा चला लेंगे नीचे से। वैसे तो ना भी चलाएं तो कोई वो नहीं, लेकिन चला लेंगे इसमें ताकि तेल अच्छे से बैंगन में मिल जाए। तो इसको थोड़ी देर के लिए चला लेंगे अच्छे से नीचे से, कि प्याज ऊपर आ जाए और बैंगन नीचे चला जाए। इस तरीके से देखिए जैसे मैं चला रही हूँ। अब इसमें मैं अपने कटे हुए आलू डाल दूँगी सारे, और आलू को मुझे चलाना नहीं है, बस ऐसे ही डाल के छोड़ दूंगी, मुझे चलाना बिल्कुल भी नहीं है। और नीचे से पकड़ेगा भी नहीं, आप थोड़ी धीमी आंच पे ही बनाइएगा, बहुत तेज़ आंच पे ना बनाइएगा वरना जल जाएगा, और ना एकदम स्लो आंच पे बनाइएगा। तो अब मैंने सारे आलू डाल दिए हैं, अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। और इसमें टमाटर देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि टमाटर ज़्यादा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये टमाटर का पानी था इसमें जो मैंने इसमें डाल दिया, ताकि थोड़ा सा गीला बने तो और बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मुझे इसमें सिर्फ नमक डालना है और कुछ नहीं डालना है। अगर हल्दी डालेंगे तो सब्जी जैसी लगेगी, तो इसलिए हल्दी इसमें नहीं डालना है आपको, सिर्फ इसमें नमक ही डालना है हमें। तो स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप नमक डालिएगा। तो मैंने देखिए नमक डाल दिया। अब धनिया पत्ता तो मैं बाद में ही डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। तो अब इसमें मैं सीटी लगा देती हूँ। अब इसमें 3 सीटी लगने तक इसे पकने देंगे धीमी आंच पे, एकदम धीमी भी आंच नहीं, मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे। अब तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी। मेरा भरता बन चुका है, मैंने इसमें 3 सीटी लगाई थी, तो देखिए अब सीटी निकल गई है। तो अब मैं कुकर को खोल रही हूँ, और ये देखिए मेरा भरता बन करके तैयार है। तो इसमें अब मैं धनिया डाल लूँगी, धनिया डाल के मैं अच्छे से मिला लूँगी, बस मेरा भरता बन के तैयार है। तो कैसा लगा आपको मेरा भरता ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, एक बार ऐसे ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा बनेगा, ये मैं पक्का बता रही हूँ। आप लोग ऐसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।